वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम IPO का एनालिसिस करेंगे जो कि कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील में हॉर्सेस को मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इंटरलॉक हॉर्सेस, हॉर्स असेंबलीज और एंड फिटिंग के रिलेटेड यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है एक कंपनी में। तो यहाँ पर आज डे वन पर पहले हम सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ने 6.68 टाइम्स को सब्सक्राइब किया है और यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शंस भी देख सकते हैं, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शंस 14 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कंपनी का ओवरऑल व्यू। तो यहाँ पर कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चर करती है, इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट करने के बाद आता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 एक्सपोर्ट मार्केट्स, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू में से 81% यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज को। और यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है US कंट्री को, जहाँ पर इनका रेवेन्यू अराउंड 28% आता है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे तो 32% यहाँ पर रेवेन्यू सिर्फ US से जनरेट हुआ था इस कंपनी का। यहाँ पर हम जानेंगे जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो वो यहाँ पर आप देखेंगे तो एयर टेंडिंग, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे उसमें से जहाँ पर एयर लीक किया जाता है या फिर एयर ट्रांसफर के लिए जो मटेरियल यूज करा जाता है वो इस कंपनी से मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पर एयर, लिक्विड या फिर सॉलिड जो कुछ भी मटेरियल्स है यहाँ पर इसे यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रोबोटिक्स, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सेमीकंडक्टर्स में इनके मेटल्स को यूज किया जाता है। और इस कंपनी का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि नई मुंबई में लोकेटेड है और इसकी कैपेसिटी है 11 मिलियन मीटर्स पर एनम। और अगर हम इसके लास्ट 2 इयर्स देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 83% यूटिलाइज किया था अपने लिमिट को, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने 90% तक का यूटिलाइज किया। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसीलिए ये 11 मिलियन मीटर से ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू यहाँ पर एक लिमिटेड है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे मैट्रिक्स पर, जैसे कि यहाँ पर हम जान लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने टैट इंडस्ट्रीज के तौर पर प्रमोट किया गया है, जो कि NSE और BSE पर लिस्टेड है। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि सैट इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका IPO भी 17.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जो कि जनवरी में यहाँ पर इनका इशू आया था। और अगर हम यहाँ पर एक एडवांटेज देखेंगे इस कंपनी का, तो इसका मेन एडवांटेज है कि इसके के कंपटीशन में कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट्स में। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, सिर्फ यही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अगर हम दूसरे शेयर मार्केट्स में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पार्कन हैनफिन कॉरपोरेशन है लिस्टेड US में, और सीनियर PLC एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है यूनाइटेड किंगडम्स में। तो ये था इस कंपनी का एडवांटेज। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स में इंक्रीज होता हुआ ये आया है, कहीं पर भी यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड नहीं देख सकते रेवेन्यूज में। और अगर हम EBITDA भी देख लेते हैं तो EBITDA भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स में। और अगर हम EBITDA मार्जिन देखेंगे तो वो भी अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज ही होता हुआ आया है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज होता हुआ ही आया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जो कि यहाँ पर ये IPO से फंड्स रेस किया जा रहा है कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो इनके कुछ 32 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेप्ट है इस कंपनी का। तो यहाँ पर ये फुल या पार्शियल रिपेमेंट कर देंगे जो भी यहाँ पर इनका आउटस्टैंडिंग डेप्ट है इस कंपनी का।
और दूसरा जो कैपिटल बचता है इस कंपनी का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो इनके लिए मेटल प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पर ये अराउंड 84 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे और कुछ इनऑर्गेनिक एक्वाइजेशंस करेंगे जो कि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं दिया है। जो भी डिटेल्स जो ये एक्वाइजेशन करेंगे इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया गया है कंपनी के तरफ से, और कुछ कॉरपोरेट पर्पोजेस के लिए जो कि 25% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाएगा इस फंड को। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं इस कंपनी के लिए। तो पहला रिस्क फैक्टर है कि यहाँ पर जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ओवर 80% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर ही यहाँ पर जनरेट करते हैं, और जिसमें से ये 28% सिर्फ US से आता है। और यहाँ पर आप इंडिया के कंडीशंस देखेंगे तो अगर कुछ इम्पैक्ट आ जाता है या फिर कुछ यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए ट्रबल्स होंगे। और दूसरा जो फैक्टर है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन नहीं करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन्हें शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पर रिपेमेंट्स कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पर कंपनी के लिए प्रेशर बढ़ता हुआ आएगा, इसीलिए यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है। और यहाँ पर जो कुछ भी ये मटेरियल्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो चाइना से यहाँ पर इंपोर्ट होता है, और इंडिया चाइना के जो लिटिगेशंस हैं यहाँ पर अगर इनके इंपोर्ट पर बैन आ जाता है तो कंपनी के लिए ट्रबल होगा। और तीसरा जो रिस्क फैक्टर है, इनका सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 11 मिलियन मीटर्स की इनकी लिमिट है, इससे ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेवेन्यू के लिए। जितना भी 11 मिलियन मीटर्स में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उतना ही इनका फिक्स्ड रेवेन्यू होगा, और यहाँ पर कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी रेवेन्यू में। अगर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आएगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पर इस कंपनी के ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस किया है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर्स में, और यहाँ पर फ्यूचर में भी यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नेगेटिव कैश फ्लो ही रहेगा इस कंपनी का। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस प्री ऑफर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर प्रमोटर के पास 91.1% का स्टेक था, जो कि पोस्ट ऑफर के बाद 67% यहाँ पर इनका स्टेक रहेगा। अराउंड 24% यहाँ पर IPO में शेयर्स को बेचा जा रहा है प्रमोटर्स के तरफ से। तो चलिए अब हम चलते हैं IPO के डिटेल्स पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज IPO ओपन हो चुका है, और यहाँ पर एक अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन भी आ चुकी है IPO में, जो कि 6 times यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया गया है, और 24 August को क्लोज कर दिया जाएगा। इशू साइज है 351 crore rupees और फेस वैल्यू है 2 rupees पर शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेश इशू 162 crores का है, और शेयर्स यहाँ पर जो फ्रेश इशू किए जा रहे हैं 1.5 crores है, और सेल के लिए 189 crores है, जो कि 24% है प्रमोटर्स ग्रुप के तरफ से। और यहाँ पर प्राइस बैंड देखेंगे तो 102 rupees से 108 rupees पर शेयर मिलेगा, और 130 शेयर्स आएंगे पर लॉट में। लिस्टिंग डेट 1 September है, और BSE और NSE पर लिस्ट होने जा रही है। तो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या आप इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए? तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ कुछ कंपनी का नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर कुछ और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पर कंपनी बिल्ड कर लेती है तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छा फ्यूचर रहेगा। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।